हेलो स्टूडेंट्स, आइए बच्चों, आज हम आपको इस वीडियो में बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसको हम पढ़ाएंगे। बच्चों, इसके आगे मैंने उत्पत्ति के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं उसको हम पढ़ा दिए हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज हम आपको बनावट के आधार पर शब्द के भेद को पढ़ाते हैं। बच्चों, बनावट के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। पहला होता है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक शब्द और तीसरा योगरूढ़ शब्द। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। हमारे बहुत सारे बच्चे को ये समझ में नहीं आता है कि रूढ़ क्या होता है, यौगिक क्या होता है और योगरूढ़ क्या होता है। तो चलिए, हम आपको एकदम आसान ट्रिक के साथ समझा देंगे। सबसे पहला क्या है? रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, ठीक है। रूढ़ शब्द ऐसे शब्द हैं जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए कि रूढ़ शब्द क्या होता है। रूढ़ शब्द एक ऐसा शब्द है जिसको हम टुकड़े नहीं कर सकते। अगर हम टुकड़े करेंगे तो उसका कोई भी सार्थक शब्द नहीं होगा। सार्थक का मतलब होता है जिसका अर्थ होता है। तो देखिए, जैसे चलिए उदाहरण के साथ आपको हम समझाएंगे तो आप और अच्छा से समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए एक शब्द लिए हम घर, ठीक है। अब हम घर को हम तोड़ नहीं सकते, टुकड़े नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए हम टुकड़े किए, घ जोड़ र टुकड़े कर दिए, तो ये दोनों का कोई भी अर्थ नहीं हो रहा है, कोई भी अर्थ इसका नहीं होगा। वही होता है रूढ़ शब्द। तो इसका ट्रिक आप क्या सीखे कि जिन शब्द का टुकड़ा नहीं होगा वो होगा रूढ़ शब्द। और एक शब्द लेते हैं सेना। अब इसको हम अगर टुकड़े करते से और ना, तो दोनों का ही कोई अर्थ नहीं होगा, ना से का ना ना का कोई अर्थ नहीं निकल रहा, सार्थक अर्थ। इसलिए ये रूढ़ शब्द है। और एक शब्द लेते हैं हाथी। इसको अगर हम टुकड़े करेंगे तो इसका भी दोनों साइड का कोई भी अर्थ नहीं होगा। इसलिए ये भी क्या है? रूढ़ शब्द है। अब देखिए और एक उदाहरण लेते हैं कमल। इसको अगर हम तोड़ेंगे क म ल, तीनों का ही कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए ये रूढ़ शब्द है। तो रूढ़ शब्द आप दिमाग में क्या सेट कर लिए? इसका ट्रिक क्या निकला? जिसका टुकड़ा नहीं होगा, इसका ट्रिक हो जाएगा टुकड़ा नहीं होगा। एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, जिस शब्द का टुकड़ा नहीं होगा वो हो जाएगा रूढ़ शब्द। क्लियर हो गया बच्चों? अब आइए सेकंड में सिखाते हैं योगी शब्द। यौगिक शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिन्हें हम सार्थक टुकड़े में बांट सकते हैं
जिन्हें हम सार्थक टुकड़े में बांट सकते हैं। और क्या है ये? यह संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं। यानी बच्चों, यौगिक शब्द क्या होता है? यौगिक शब्द ऐसा शब्द है जिसके हम टुकड़े कर सकते हैं और टुकड़े करने के बाद उसका सार्थक अर्थ भी रहता है। और वो क्या क्या होता है? संधि, यानी उसको हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, समास होता है, उपसर्ग होता है और प्रत्यय होता है। यानी इसमें ट्रिक याद कर लीजिए कि इसमें हम टुकड़े कर सकते हैं, इसका सार्थक टुकड़ा हो सकता है। ठीक है, इसका ट्रिक हम लिख दे रहे हैं, आपको दिमाग में रखना है। क्या होगा, इसको हम अलग कर सकते हैं, टुकड़े कर सकते हैं। ठीक है, इसका रूढ़ शब्द का टुकड़ा नहीं होगा और इसका टुकड़ा होगा और उसका अर्थ भी होगा। जैसे चलिए हम देख लेते हैं उदाहरण के साथ। जैसे देखिए नील कमल, ठीक है, नील कमल। अब इसको टुकड़ा करते हैं नील कमल को, नील जोड़ कमल, नील कमल। दोनों का अर्थ भी हो रहा है, इसका टुकड़ा भी हो गया आराम से और दोनों का देखिए अर्थ भी होगा। नील का मतलब नीला, कमल का मतलब कमल का फूल, तो दोनों का अर्थ हुआ, इसलिए ये यौगिक शब्द है। अब नेक्स्ट और एक उदाहरण लेते हैं, प्रधान मंत्री। प्रधान टुकड़े कर दिए, प्रधान जोड़ मंत्री, प्रधानमंत्री, तो ये दोनों का ही अर्थ हो गया। प्रधान का भी अर्थ होता है और मंत्री का भी अर्थ होता है, इसलिए ये क्या है, यौगिक शब्द है। और एक उदाहरण ले लेते, पाठशाला। ठीक है, अब इस शब्द को हम टुकड़े करते हैं, पाठ जोड़ साला। ठीक है, अब दोनों का अर्थ हो गया और आराम से इसका संधि विच्छेद भी हो गया है, इसलिए ये क्या है, यौगिक शब्द है। और एक उदाहरण लेते हैं, राज कुमार। राज कुमार, इसको भी हम तोड़ लेते हैं, राज जोड़ कुमार, इसका भी दोनों साइड का ही अर्थ हो जाएगा टुकड़े करने के बाद। राज राजा, कुमार पुत्र, राजा का पुत्र राजकुमार, इसलिए ये सार्थक शब्द हुआ। और एक देखिए एग्जांपल हम लेते हैं, सुमन, सुमन, इसको हम तोड़ते हैं, शु जोड़ मन, सुमन। तो यहाँ पर मन का मतलब मन और ये जो सु है, ये सु क्या है बच्चों, उपसर्ग है। अगर आपने उपसर्ग नहीं पढ़े होंगे तो आप मेरा चैनल में देख सकते हो, मैंने उपसर्ग, प्रत्यय, समास सारा चीज़ को पढ़ा दिए हैं, संधि आप मेरा चैनल में आकर देख सकते हो। बच्चों उपसर्ग होता क्या है, जो मूल शब्द के पहले लगाया जाता है। तो मन ये क्या है, शब्द है और ये शब्द के पहले लगाया गया है, इसलिए ये भी क्या हुआ, यौगिक शब्द हुआ। चलिए और एक उदाहरण को लेते हैं, लिखाई। लिखाई,
इसको हम तोड़ देते हैं, लिख जोड़ आई, ठीक है, लिख मतलब लिखना और आई, आई क्या है, ये प्रत्यय है, प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है बच्चों, जो शब्द के पीछे जुड़ा जाता है, यानी शब्द के अंत में जुड़ा जाता है, जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है, आई का कोई अर्थ नहीं है, ऐसे शब्द भी यौगिक शब्द होता है। और एक शब्द ले लेते हैं पढ़ाई, पढ़ाई, पढ़ा जोड़ ई, पढ़ा जोड़ ई कर दिए हम, ठीक है। अब ये पढ़ा मतलब पढ़ना और ई ये भी क्या हो गया बच्चों, प्रत्यय, प्रत्यय, ई प्रत्यय जिसका कोई भी अर्थ नहीं होता है लेकिन ये प्रत्यय है। तो मैंने क्या कहा था कि यौगिक शब्द क्या होता है, पहला रूल क्या है उसका, यौगिक शब्द ऐसा शब्द होता है जिनका सार्थक टुकड़ा हो सकता है, और ये संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय के बने होते हैं, तो इसलिए प्रत्यय है, ई प्रत्यय है और ये यौगिक शब्द है। क्लियर हो गया बच्चों, यौगिक शब्द आपने पहचान लिए। अब चलिए आपको सिखाएंगे हम योगरूढ़ शब्द, क्या शब्द, योगरूढ़ शब्द, बहुत आसान है, अगर आप समझ लेंगे तो आप ज़रूर से ज़रूर एग्ज़ाम में अच्छा से कर पाओगे, ठीक है। अब देखिए योगरूढ़ क्या होता है, इसलिए हम एकदम सरल भाषा में आपको पढ़ाते हैं ताकि आप सभी बच्चों को आसानी से समझ में आ जाए। अब देखते हैं योगरूढ़ शब्द क्या होता है, ठीक है, योगरूढ़, योगरूढ़ शब्द योगरूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनके जिनके टुकड़े जिनके टुकड़े तो हो सकते हैं पर उन टुकड़ों का सीधा अर्थ ना निकलकर कोई विशेष अर्थ निकलता है, यानी बच्चों योगरूढ़ शब्द क्या है, योगरूढ़ शब्द का जो शब्द है उसका टुकड़ा तो हो सकता है लेकिन उस टुकड़ों का सीधा अर्थ नहीं निकलकर उसका विशेष अर्थ निकलता है। इसका ट्रिक क्या होगा समझ लीजिए, योगरूढ़ शब्द आप कैसे समझेंगे कि ये योगरूढ़ शब्द है, वो बहुव्रीही समास होता है। तो बच्चों आपने अगर समास पढ़े होंगे तो आप जानते होंगे कि बहुव्रीही समास क्या होता है, बहुव्रीही समास में अधिकतर देवी देवताओं के नाम आता है और जिनके और जिसका होता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको उदाहरण के साथ समझाते हैं, जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं चक्र पाणि, चक्र पाणि, इसका टुकड़ा तो आराम से हो जाएगा, चक्र जोड़ पाणि, ठीक है, चक्र पाणि, चक्र मतलब क्या होता है, चक्र, और पाणि मतलब हाथ। तो यहाँ पर
ये दोनों टुकड़ों का विशेष अर्थ नहीं निकल कर इसका अर्थ निकल जा रहा, पूरा चक्र पाणि का विशेष अर्थ क्या हो जाएगा, विष्णु यानी चक्र, जिसके जिनके हाथ में चक्र है वो कौन है, विष्णु। विष्णु यानी चक्र पाणि बोलने से ही हम लोगों का दिमाग में किस किनका नाम आ जाता है, विष्णु भगवान का। यानी इसका सीधा अर्थ ना निकल कर क्या अर्थ निकला, इनका विशेष अर्थ निकल गया, इसलिए ये क्या है, योगरूढ़ शब्द है और ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। अब देखिए पंकज, और एक उदाहरण लिए हम पंकज, ठीक है, पंख जोड़ ज। अब पंख मतलब क्या होता है, कीचड़, और ज मतलब जन्म लेने वाला, तो यहाँ पर पंकज बोलने से क्या याद आ जाता है, कमल, यानी कीचड़ में उगने वाला क्या है, कमल, कीचड़ में कमल का फूल खिलते हैं, इसलिए इसका विशेष अर्थ निकल गया कमल। और एक ले लेते उदाहरण, नील कंठ, इसको तोड़ते हैं, नील जोड़ कंठ, नीलकंठ, ठीक है, नील मतलब नीला, कंठ मतलब गला। अब नीला कंठ है जिनका, किनका विशेष अर्थ निकल गया, शिव भगवान शिव का, ठीक है, इसलिए ये क्या है, योगरूढ़ शब्द है। और एक उदाहरण ले लेते दशानन, दशानन इसको तोड़ देते, दश दस और आनन, तो दशानन बोलने से क्या हो जाएगा, दस है आनन जिनका, दस माथा वाला कौन है, रावण, रावण यानी विशेष अर्थ निकल गया रावण। तो ऐसा शब्द क्या होता है, योगरूढ़ शब्द होता है, और इसका ट्रिक क्या है, ये बहुव्रीहि समास का होता है, ठीक है। तो बच्चों आपको इसका ट्रिक क्या याद रखना है, रूढ़ शब्द जिनका टुकड़ा नहीं हो सकता, जो शब्द को का टुकड़ा नहीं हो सकता, और यौगिक शब्द क्या होता, जिसका टुकड़ा हो सकता है, यानी शब्द को हम अलग कर सकते हैं, और योगरूढ़ में क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। बस आपको इतना ही याद रख लेना है। तो बच्चों अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, मेरा पढ़ाई को अच्छा लगता है, तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ताकि आपके दोस्त भी सीख सकें। और बच्चों अगर आप पहली बार मेरा चैनल को देख रहे हो, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरा पढ़ाई का हर नोटिफिकेशन आपके पास आए। मैं पूरी तरह से कोशिश करती हूँ सरल भाषा में एकदम पढ़ाने का, ताकि आप सभी बच्चों को अच्छा से समझ में आ जाए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच, बाय।